चार्लीज एंजल, जिसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ बैंक्स ने, और इसके अंदर इन्होंने एक्टिंग भी की है इस मूवी के अंदर। जो इसके अंदर कास्ट है वो है क्रिस्टन स्टेवोट, पैट्रिक स्टेवोट, एला ब्लैनिस्का, नाओमी स्कॉट, टैम क्लैफलिन। अब स्टोरी की बात करें, देखो जब भी कोई अच्छी मूवी आती है तो जो भी मूवी का रिव्यू करते हैं मेरे हिसाब से उनका काम बढ़ जाता है, वैसे मेरा तो बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कोई अच्छी मूवी होती है तो इसके अंदर कंटेंट, जो उसका बहुत अच्छा कंटेंट होता है, जो उसकी बहुत अच्छी स्टोरी होती है, तो उसके अंदर बताना होता है कि ये मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, इससे आप क्या क्या सीख सकते हैं। और उसके अपोजिट अगर हम बात करें, कोई ऐसी मूवी आती है जो डल होती है, जो बहुत बोरिंग होती है, उसमें मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना मुझे कुछ उसके अंदर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, ना मुझे उसके अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ती है जो उस मूवी में होती है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है मूवी के अंदर। वो मूवी है चार्लीज एंजल। पता है कि आप कोई मूवी देख के थिएटर से निकलते हो और उस मूवी की छोटी मोटी झलक आपके दिमाग में रहती है कि हाँ ये बात इस मूवी के अंदर बोली गई, या ऐसा सीन इस मूवी के अंदर था, या ऐसा कॉमेडी सीन ऐसा मूवी के अंदर था। वो इस मूवी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये मूवी देख के थिएटर से निकलोगे, आपको इस मूवी के बारे में ऐसा कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इस मूवी में। चार्लीज एंजल की ये थर्ड मूवी है। इससे पहले जो दो मूवी आई थी मुझे वो इतनी खास पसंद नहीं आई थी, बस मुझे ये वाली मूवी इतनी पसंद नहीं है, फिर भी वो मैंने देख ली थी क्योंकि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, इसलिए वो दो मूवी मैंने देखी हुई थी। लेकिन वो मेरे वो फेवरेट लिस्ट में तो है भी नहीं, ठीक ठाक थी। और अभी की जो ये मूवी बात करें, जो 2019 में चार्लीज एंजल की जो मूवी आई है, इसके अंदर जो ना तो इसके अंदर कोई ढंग के एक्शन है, वही पुराने टाइप के आपको एक्शन देखने को मिल जाएंगे, कोई एक्साइटिंग नहीं है आपको देख के, हाँ जो सब महसूस हो, हाँ एक्शन अच्छे हैं, या फिर इसके अंदर कोई कॉमेडी हो। देखो कॉमेडी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पहले वाली जो दो मूवी थी उसके अंदर छोटी मोटी कॉमेडी थी, देख के हाँ थोड़ी बहुत हंसी आ जाती थी, लेकिन इसके अंदर तो वो भी नहीं है। चलिए फिलहाल मैं आपको इसकी कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। देखो कहानी क्या होता है कि इसकी कहानी क्या है, एक लड़की है एलिना, जिसे निभाया है नाओमी स्कॉट ने। वो एक डिवाइस बनाती है, क्रिस्टला ऐसा कुछ नाम होता है। वो डिवाइस क्या करता है, एक इको एनर्जी जनरेट करता है, बहुत पावरफुल होता है। उस डिवाइस में दिक्कत क्या होती है कि ये कोई भी इसको हैक कर सकता है और हैक करके किसी की भी जान ले सकते हैं। तो ये बात एलिना को पता होती है और वो कंपनी के मालिक को बताना चाहती है, लेकिन कंपनी के कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं चाहते कि ये बात कंपनी के मालिक को पता चले। बस इसी को लेके वो लोग एलिना को मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, और एलिना अपने आप को बचाने के लिए जो चार्लीज एंजल होती हैं, जो स्पाई वुमन होती हैं, उनकी हेल्प लेती है। और एटलीस्ट आपको पता ही है कि हाँ वो बचा भी लेंगी और सब चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। इसके अंदर थोड़ा बहुत सस्पेंस भी या ट्विस्ट भी डालने की कोशिश की है, लेकिन यकीन मानो कि वो सस्पेंस और वो ट्विस्ट इतना मतलब बेतुका सा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखेंगे कि ठीक है जो स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है यार हो गया जो हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, हमारे कोई रोंगटे उससे कहीं खड़े नहीं हुए, या फिर हमारी आंखों की पुतलियां से फैल नहीं गई उसको उस सीन को देख के। बस ठीक है, मुझे तो इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। अब बात करें परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जो दो जो एंजल्स हैं, जो दो स्पाई वुमन हैं, जो एक ने एक को प्ले किया है क्रिस्टन स्टेवोट ने, दूसरे को एला ने, जो दिखाया गया है कि दोनों एक दूसरे के मतलब दुश्मन है, यानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कैसे मूवी में धीरे धीरे वो अपनी दोस्ती को बिल्डअप करते हैं, कैसे कहती है कि वो उसके लिए बहुत कुछ है, उसकी फैमिली नहीं है यही उसके लिए बहुत कुछ है, कुछ ऐसी ऐसी बातें दिखाई हैं जिनके उनके रिलेशनशिप बिल्डअप होते हुए इस मूवी में दिखाए गए हैं। मेरी तरफ से मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 4 out of 10 स्टार। बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी है तो आपके लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ये मूवी देखो ही देखो, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको देखने के बाद थिएटर से बाहर निकलोगे तब भी याद भी नहीं रहेगा कि मूवी में क्या था। खैर आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।